पिछले कई दिनों से भारत और कनाडा के बीच बड़ी टेंशन चल रही है। वहीं एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच तुल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा में एक और गैंगस्टर सुखदल सिंह उर्फ सुखा दुनेकी की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। लॉरेंस गैंग की इस हरकत ने एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोकने का भी ऐलान किया। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ साक्षी शर्मा के साथ। सुखा दुनेके भारत से फरार गैंगस्टर था जो उन 41 आतंकियों व गैंगस्टरों के लिस्ट में शामिल था जो एनआईए ने जारी की। वह 2017 में पुलिस के कुछ अफसरों की मदद से जाली दस्तावेज बनाकर कनाडा भाग गया था, फिर वहां खालिस्तानियों की मदद से अपना गैंग चला रहा था। जानकारी के मुताबिक सुखा को कनाडा के विनिपिंग में गोली मारी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखा पर करीब 15 राउंड फायरिंग के हुए और मौके पर ही उसकी मौत। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के कत्ल के बाद यह दूसरी बड़ी वारदात। वहीं आपको बता दें कि सुखा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के खास कनेक्शंस में से था और कहा जाता था कि यह उनका राइट हैंड था। वहीं कनाडा में हुई गैंगस्टर सुखा दुनके के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सारेन, ये सुखा दुनके जो बबिया ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था उसका मर्डर हुआ है। कनाडा के मिनिपिंग सिटी में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हीरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए और सिर्फ पैसों के लिए बहुत से घर उजाड़े थे। वही आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं निज्जर की हत्या के बाद कनाडा, लंदन और अमेरिका सहित कई जगहों पर खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर भारत विरोधी नारे लगाए और निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, यह पूरी तरह से अस्वीकार है। इसी के साथ भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री के इस बयान को खारिज कर दिया है। वहीं सरकार ने अपने बयान में कहा कि कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार की भूमिका होने का आरोप लगाना बेतुका और प्रेरित करने वाला है। इसी के साथ ये भी कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और कानून की सही पालन को लेकर प्रतिबद्ध रखते हैं। वहीं इसी बीच जहां कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बयान जारी करते हुए कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर देने की बात कही, तो वहीं भारत सरकार ने देश के मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है और उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।